श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। आज की इस वीडियो में मैं आपको मनोकामना पूर्ति का एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपकी कोई भी विशेष कामना होगी वो आपकी कामना मात्र एक महीने के अंदर भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है, बहुत ही विशेष उपाय है। उपाय कैसे करना है वीडियो में पूरा अच्छे से समझाऊंगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि बाकी लोग भी इस उपाय का लाभ उठा पाए। और अगर आपने अभी तक मेरे पेज को फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। उपाय करने के लिए गुरु जी ने हमें बताया हमें क्या लेना है। हमें लेना है एक बेलपत्री, साफ सुंदर बेलपत्री, केवल एक ही लेनी है। इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए थोड़ा सा शहद। शहद जो है आपके घर पर हो, जो पूजा में आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो है मार्केट से आसानी से मिल जाएगा शहद। आपने क्या करना है, ये जो बीच वाली पत्ती है, ये जो आप देख रहे हैं बेलपत्री की तीन पत्तियां होती है, लेकिन ये जो बीच वाली पत्ती है इस पर आपने शहद लगा देना है। यानी शहद पूरा आप इस बेलपत्री कि इस वाली पत्ती के ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद आपने ये जो आपने उपाय करना है ये सोमवार के दिन करना है। प्रदोष काल में भी कर सकते हैं या सुबह के समय भी कर सकते हैं। भोले बाबा के मंदिर में जाना है, एक लोटा जल साथ में लेकर वहां पर जाकर आपने जो बेल पत्री की बीच वाली पत्ती पे आपने शहद लगाया है उसको आपने क्या करना है, भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आपने चिपका देना है। यानी शहद वाला हिस्सा जो है वो शिवलिंग के ऊपर आपने चिपका देना है। चिपकाने के बाद आपने क्या करना है, उसी बेलपत्री के ऊपर अपना हाथ रखना है। यानी अपने हाथ की हथेली रखिए, हथेली रखकर जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप भोलेनाथ से मांगना चाहते हैं, या आपका कोई कार्य है अटका पड़ा है, रुका पड़ा है, वो हो ही नहीं रहा है, तो आपने क्या करना, अपने हाथ की हथेली उसी बेलपत्री के ऊपर रखकर महादेव से अपनी प्रार्थना करनी है कि महादेव आपकी ये कामना है, ये आपका कार्य रुका पड़ा है, इसे इस मेरी कामना को अवश्य पूरा करें। मात्र इतना सा उपाय आपने जो है भोलेनाथ के शिवलिंग पर हाथ रखकर सोमवार के दिन किसी भी समय, सुबह के समय या प्रदोष काल में ये उपाय कर लेंगे तो आपकी जो कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण होगी। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत से लोगों ने इस उपाय को किया है और इसका लाभ भी हासिल किया है। बहुत ही शुभ महीना चल रहा है, इस महीने में अगर ये उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपको इसका परिणाम मिलेगा। तो कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके पूछ लीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। Thank you.